So this is my fourth part of the video in which I am going to explain about the dextra different or many other different kinds of adaptations which have been found. So we have been discussed about the terrestrial and the aquatic, and in the aquatic also I have explained you about the submerged plant, the fixed plant and the floating plant. Now the next part was the some of the plants which have been adapted in a different way. So kuch plants aise hote hain जिनके ऊपर आपको बहुत सारे कांटे देखने के लिए मिलते हैं. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी उनके ऊपर एक भी ग्रीननेस नहीं होता, वो लीव्स बिल्कुल भी ग्रीन नहीं होती. ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम इंसेक्टिवोरस कहते हैं. इंसेक्टिवोरस का मतलब दे हैव बीन ईटिंग द इंसेक्ट्स, वो इंसेक्ट्स को खाते हैं. तो दे हैव बीन से तो इस टाइप्स ऑफ ये जो है प्लांट, ये भी एक तरह के अडेप्टेशंस में आते हैं. तो वी आर बीन गोइंग टू सी दैट. नाउ द प्लांट्स विद फर्स्ट वन वॉज द प्लांट्स विद द थॉर्न्स. थॉर्न्स का मतलब होता है सुई जैसे, कांटे जैसी. तो रोज एंड द बुल्गेविया आर द सम ऑफ द प्लांट्स दैट हैव बीन थॉर्न्स विच प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम द एनिमल. तो ये जो रोज प्लांट होता है एंड द बुल्गेविया प्लांट होता है, ये बहुत दिखने में बहुत सुंदर होता है, मगर इनके साथ में इनके आसपास बहुत सारे कांटे होते हैं. तो ये कांटे किस लिए होते हैं, ताकि कोई और एनिमल्स इनको हर्ट ना करे, या फिर कोई और इंसान या फिर कोई भी चीज़ इन प्लांट्स को हर्ट ना करे, इन प्लांट्स को ख़राब ना करे. तो ये अपने आप की प्रोटेक्शन करने के लिए कांटे अपने अपने आसपास लगा के रखते हैं. तो दीज आर द प्लांट्स. नेक्स्ट वन वॉज प्लांट्स विद द पॉइजन. सो पॉइजन का मतलब जहरीले वाले प्लांट्स. कुछ प्लांट्स के अंदर टॉक्सिक लेवल्स होते हैं, जिनके अंदर टॉक्सिक लेवल का मतलब कि अगर हम उन्हें तो खा लें या फिर अपने स्किन के ऊपर लगा लें या फिर कुछ भी प्रॉब्लम्स में अगर हम इसे यूज़ कर लेते हैं, तो ये प्लांट एक तरीके का पॉइजन का काम करते हैं. इवन दो हाँ, कभी कभार हमें इन प्लांट्स को छूने की वजह से खुजली भी हो जाती है. तो ये एक इचीनेस होती है, स्टार्ट होती है. तो दैट आर काइंड ऑफ द फीचर्स ऑफ इट. तो सीज प्लांट सम ऑफ द प्लांट्स लाइक पॉइजन एवी. एवी जो यहाँ पे जो प्लांट है, यहाँ पे जो एग्जाम दिख रहा है आपको, ठीक है. सो हैव द पॉइजन इन दैम. दिस फीचर हेल्प्स टू एनिमल्स टू कीप अवे फ्रॉम दैम. सम स्किन स्टार्ट्स इचिंग वेन वी टच इट. मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि अपने आप को बचाने के लिए, दूसरे एनिमल्स से अपने आप को बचाने के लिए इस तरीके के फीचर्स ये लोग रखते हैं. और जब हम इनको छूते हैं तो हमें छूने से इनको सही हम जब इन्हें छूते हैं तो हमें खुजली जैसी चीज़ें महसूस होने लगती है. तो छूने घर से इतना हो जाता है हमारे साथ में. द नेक्स्ट इज द इंसेक्टिवोरस. इंसेक्टिवोरस का मतलब होता है वो प्लांट जो इंसेक्ट्स को खाते हैं. दे आर बीन इन प्लांट्स लाइफ इन द प्लांट्स अडेप्टेशन. इनको एक तरीके से कार्निवोरस प्लांट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपने आप इनको सांस लेने के लिए, इनको खाना बनाने के लिए इनके जो लीव्स हैं वो काम नहीं करते. तो फॉर दैट रीजन दे आर बीन ईटिंग दोज इंसेक्ट फॉर फुलफिलिंग देयर न्यूट्रिएंट्स. अपनी बॉडी की न्यूट्रिएंट्स को पाने के लिए, अपनी बॉडी को जिंदा रखने के लिए ये वाले प्लांट्स जो काम क्या करते हैं, दे ईट अप द इंसेक्ट्स. तो ये ईट अप कैसे करते हैं कि इनके यहाँ पे ये एक स्मेल, एक फ्रेगरेंस होती है दैट आर बीन स्प्रेड अराउंड देयर्स ओपनिंग्स. इनके ओपनिंग्स के पास में ये फ्रेगरेंस को ये लोग रखते हैं, जिसकी वजह से जो इंसेक्ट है इनकी तरफ अट्रैक्ट होता है. और अट्रैक्ट होने के बाद ये सीधा अपने शटर्स को, अपने लीव्स को क्लोज अप कर लेते हैं, और जिसकी वजह से अंदर ही अंदर वो इसके सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये प्लांट जिंदा रह सक पाता है. तो वीनस फ्लाई ट्रैप इज द नेम ऑफ द फर्न प्लांट. देन सनड्यूज एंड द पिक्चर प्लांट आर द एग्जाम्पल ऑफ द दे हैव बीन ऑल्सो सेड एज द कार्निवोरस प्लांट. दैट्स आई हैव सेड इट टू यू. इनको कार्निवोरस भी बोला जाता है. दे ईट इंसेक्ट सो दैट दे आर कॉल्ड द इंसेक्टिवोरस. इनको ये इंसेक्ट्स को खाते हैं, इसलिए इनको इंसेक्टिवोरस कहा जाता है. द स्पेशल लीव्स ऑफ सच प्लांट्स आर ट्रैप्ड इंसेक्ट. तो इनके जो लीव्स होते हैं वो इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं. वीनस फ्लाई ट्रैप्स हैव द लॉन्ग एंड एज ऑफ द लीव्स टू कैच द इंसेक्ट. द लीव्स ऑफ द पिक्चर प्लांट आर इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर विद अ लिड. व्हेन अ इंसेक्ट सिट्स इन द पिक्चर लेट शट डाउन टू द ट्रैप द इंसेक्ट. मतलब कि यहाँ पे जैसे ही कोई इंसेक्ट आके बैठता है, यहाँ पे जैसे ही कोई इंसेक्ट आके बैठता है, ये अपने आप को बंद कर लेते हैं और उस इंसान उस इंसेक्ट को बोलो अपने आप उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. एब्जॉर्ब करने का मतलब उसके अंदर जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो पूरे के पूरे एब्जॉर्ब करके बाद में वो उस कीड़े को निकाल के बाहर फेंक देते हैं. दैट्स अ थिंग. द नेक्स्ट वन वॉज अ नॉन ग्रीन प्लांट्स. दोज प्लांट्स विच आर है ना
हैविंग नो क्लोरोफिल, मतलब इन प्लांट्स के अंदर बिल्कुल भी क्लोरोफिल का ग्रीन पिगमेंटेशन तो होता ही नहीं है. तो दीज आर सेट एज अ नॉन ग्रीन प्लांट. तो इसके एग्जाम्पल्स हैं, आपने कभी उन्हें मशरूम्स देखा होगा, ठीक है, तो दिस इज ईस्ट है, मशरूम्स हैं, दिस आर काइंड ऑफ एग्जाम्पल. अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के कॉरल रूट दिया हुआ है, इंडियन पाइन दिया हुआ है, मशरूम्स हैं, देन मोल्ड्स हैं, देन ईस्ट. तो ये जो है प्लांट्स ये कभी भी ग्रीन नहीं होते, ये इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता. सो दे डू नॉट कैनॉट मेक देयर फूड, मतलब ये अपने आप अपना खून खाना नहीं बना सकते. तो इसीलिए दे एब्जॉर्ब द फूड फ्रॉम द रिमेन ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल. तो इसीलिए जो ज़मीन के अंदर जो प्लांट्स और एनिमल्स डंप किए जाते हैं, डिकम्पोज किए जाते हैं, मतलब अगर कोई एनिमल मर गया या फिर कोई प्लांट अगर मर गया, वो ज़मीन पे पड़ा है, सॉइल पे पड़ा हुआ है, और सॉइल अपने आप उसे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, सॉइल अपने आप ही उसे अंदर दबाया जा रहा है, और फिर उसकी वजह से इन जैसे प्लांट्स को जो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं उन्हें खाना मिलता है. सो दे आर कॉल्ड एज अ सेप्रोक्रिट्स प्लांट, उनको सेप्रोक्रिट्स प्लांट्स भी बोला जाता है. सो नाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अबाउट द 3-4 काइंड्स ऑफ अडेप्टेशंस ऑफ द प्लांट. दैट इज वन इज अ प्लांट विथ हैविंग अ थॉर्न्स, प्लांट्स विथ पॉइजन, देन इंसेक्टिवोरस एंड देन नॉन ग्रीन प्लांट. सो ये सारे के सारे टाइप के अडेप्टेशन है दैट हैव बीन सीन ऑन द टेरेस्ट्रियल वन. ये सारे के सारे हमें टेरेस्ट्रियल में ही देखने के लिए मिलते हैं, बट दे हैव बीन डिफरेंट फ्रॉम द अडेप्टेशन, इनके फीचर्स अलग होते हैं. दैट्स वाई आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन अ डिफरेंट वे. सो आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस चैप्टर होल्ली. आई नो आई मे बी थिंक ऑफ इट कि दैट कि यू हैव बीन अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स. थैंक यू.